ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इंटर के बैनर तले मिड डे मील वर्कर यूनियन ने बिलासपुर में रैली निकालकर केंद्र सरकार के विरुद्ध रोष प्रकट करते हुए अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। उन्होंने जिलाधीश बिलासपुर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन प्रेषित कर उनको न्यूनतम वेतन एवं आवश्यकता पड़ने पर अवकाश देने की सुविधा प्रदान करने की भी मांग उठाई है। इंटक के बैनर तले मिड डे मील वर्कर्स यूनियन ने बिलासपुर में रैली निकालकर केंद्र सरकार के विरुद्ध रोष प्रकट करते हुए अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। उन्होंने जिलाधीश बिलासपुर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन प्रेषित कर उनको न्यूनतम वेतन एवं आवश्यकता पड़ने पर अवकाश देने की सुविधा प्रदान करने की मांग उठाई है। मिड डे मील वर्कर्स यूनियन का आरोप है कि उन्हें मात्र 60 रुपए दिहाड़ी देकर उनका लंबे अरसे से शोषण किया जा रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा घोषित न्यूनतम वेतन भी उन्हें प्रदान नहीं किया जा रहा है। मिड डे मील वर्कर्स यूनियन के कानूनी सलाहकार भगत सिंह वर्मा ने ऐलान किया है कि अगर सरकार की ओर से मिड डे मील वर्कर्स के हित में कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया जाता है तो भविष्य में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आज जिला बिलासपुर में हिमाचल प्रदेश के मिड डे मील वर्कर कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन हुआ और आज भारतवर्ष के प्रधानमंत्री को हमारी इंटक यूनियन जो है मिड डे मील वर्कर्स की, उसकी तरफ से डीसी के माध्यम से प्रधानमंत्री को डीसी बिलासपुर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। आज 16 वर्ष से ज्यादा समय हो गया है मिड डे मील स्कीम को, इस योजना को, और जिसमें हजारों वर्कर हिमाचल प्रदेश के अंदर कार्यरत हैं। हमारा इस बात को लेकर के आज ये धरना प्रदर्शन है कि इनको, मिड डे मील कर्मचारियों को, दिहाड़ी दी जाए, तमिलनाडु की शर्त पे इनको वेतन दिया जाए। जहां 25 बच्चों की संख्या का प्रश्न है उस शर्त को हटाया जाए और इनको नियुक्ति पत्र दिया जाए। हम तो कहते हैं कि भाई हिमाचल प्रदेश में प्रदेश सरकार ने जो नर्सरी टीचर लगाने का फैसला लिया है उसको लागू करने के लिए मिड डे मील कर्मचारियों में से जो प्लस टू पास हैं और नर्सरी ट्रेन टीचर्स हैं उनको नियुक्तियां दी जाए।